शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फंस गई ना, इतनी आसान नहीं है ये पहेली, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इस पहेली को सुलझाने के लिए तुझे सबसे कम समय मिलेगा। इस रेत के खत्म होने तक यदि तूने उत्तर नहीं दिया तो अधिराज की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। पर मैं इतने कम समय में उत्तर कैसे ढूंढूंगी? मुझे क्या पता। ऐसा कौन सा हथियार हो सकता है जो दिखाई नहीं देता पर सभी हथियारों में श्रेष्ठ है? अधिराज अभी तक आए क्यों नहीं? अधिराज आइए ना, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। देखिए विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी आइए। अधिराज आइए ना, आइए। जो समय बीत जाता है वो दोबारा नहीं आता। और यदि समय पर कार्य ना हो तो पछताना पड़ता है। मुझे तो तेरी हार साफ साफ दिखाई दे रही है, सुने ना। हे अंबे माँ, मुझे राह दिखाओ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे हारने नहीं दोगी। ये मेरा आत्मविश्वास है माँ, आप मुझे हारने नहीं दे सकती। आत्मविश्वास, अंतिम पहेली का उत्तर है आत्मविश्वास। अधिराज आप रुक क्यों गए? ये दृश्य कहीं सच में सुनैना हमारी पत्नी? नहीं, ये विवाह हम नहीं कर सकते। अधिराज, अधिराज क्या हुआ? आप मुझसे प्रेम नहीं करते? हमें नहीं पता मोहिनी, ये प्रेम है या मित्रता या अपनापन या कुछ और है, हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं और तुम्हारी खुशी इस विवाह में है ना, किंतु हम इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकते जब तक हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते। और हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलने के पश्चात ही हम निर्णय ले पाएंगे। हम ये विवाह नहीं कर सकते मोहिनी, नहीं। मैंने सही उत्तर दिया ना? सही है या नहीं ये जानने के लिए तुझे एक और परीक्षा देनी होगी। तुझे साबित करना होगा कि आत्मविश्वास ही सही उत्तर है। अब ये बता, तेरा आत्मविश्वास क्या कहता है? तू मेरे हाथों मरेगी या बच जाएगी? मेरा आत्मविश्वास कहता है कि जब तक मैं अधिराज की याददाश्त वापस नहीं लाती तब तक मेरी अंबे माँ मुझे मरने नहीं देंगी। इतना विश्वास? हाँ।
है। ये फांसी का फंदा अपनी गर्दन में डालकर लटक जा। मैं भी तो देखूं तेरा आत्मविश्वास और अंबे माँ कैसे तुझे बचाती है। ठीक है, अगर ये मेरी परीक्षा की अंतिम कड़ी है तो मुझे ये स्वीकार है। अगर अधिराज मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। मैं मार डालूंगी उसे। जोश में अपने होश मत खोना सर्पिका। अधिराज से तुम्हारा विवाह जरूर होगा, पर शांति से हमें इस समस्या का हल ढूंढना होगा। अगर अधिराज और मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी। हम तुमसे मिलने आए। सुनेरा कहाँ तुम? हम तुमसे मिलने आए। कहाँ हो सुनेरा? हे अम्बे माँ, मेरे विश्वास को टूटने मत देना माँ। अभी भी हार मान ले, समय है, मैं तुझे बचा लूंगी। अब तेरी जान भी जाएगी और तेरा उत्तर भी गलत साबित होगा। तू हार गई सुनैना। अब तो तू गई सुनैना। ना मैं हार मानूंगी और ना ही मेरा आत्मविश्वास। सुन ले ना, सुन ले ना, सुन ले ना, सुन ले ना।